कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटा अमेरिका अब किसी भी कीमत पर चीन को लेकर नरमी बरतते नहीं दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तह तक जाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन द्वारा अभी तक उस तरह से जांच नहीं करने दिया जा रहा है जैसे कि जांच होनी चाहिए थी। सिंध प्रांत में स्थित घोटकी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार रेती और ढहरकी के बीच सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 40 से 50 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की भयावह तस्वीरों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दुनिया अभी कोरोना वायरस का कहर झेल ही रही है। दुनिया के कई देशों को आशंका है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है। ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया इकाइयों ने भी इस ओर अंदेशा जताया है। इन सब के बीच एक विशेषज्ञ और पत्रकार जैप्सर बेकर ने दावा किया है कि चीन में लैब्स की बायो सिक्योरिटी बहुत धीमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर आई रिपोर्ट्स के जरिए यह इशारा किया है कि कोरोना वायरस चीन की ऐसी ही किसी लैब से निकला है। हालांकि चीन की सरकार ने ऐसे दावों को खारिज किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को निःशुल्क टीके देगी और केंद्र ने टीका निर्माताओं से राज्य के 25% कोटे समेत 75% खुराकें खरीदने और इसे राज्य सरकारों को निःशुल्क देने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत देश में कोविड-19 के प्रबंध पर स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले पर सुनवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने के कारण हुई मौतों पर सोमवार को शोक जताया। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दे दी है। मुर्शिदाबाद और हुगली जिले में 9-9 लोगों की और पूर्वी मेदिनीपुर में 2 व्यक्तियों की बिजली गिरने से मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक वाटर प्योरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। घटना की शुरुआत में मरने वालों की संख्या 7 बताई गई थी, लेकिन अब इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या 18 हो गई है। घटना पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में हुई है। फायर डिपार्टमेंट्स की तरफ से बताया गया कि घटना के समय 37 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। इस घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 12 महत्वपूर्ण विषयों पर बात होनी है, जिसमें से मराठा OBC प्रमोशन में आरक्षण, क्रॉप इंश्योरेंस, GST, कोविड वैक्सीनेशन आदि को लेकर चर्चा की जाएगी। इन सब के लिए एक आधिकारिक पत्र दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर पत्र उसी आधार पर दिया जाएगा जिसके आधार पर ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने पत्र भेजा था। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली अक्षय कुमार की फिल्में ज्यादातर फ्रेंचाइजी में बदल जाती हैं। खिलाड़ी सीरीज से लेकर हाउसफुल फ्रेंचाइजी तक वे समय समय पर दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं। पिछले हफ्ते खबरें सामने आई थी कि अक्षय कुमार स्टारर ओ माई गॉड का जल्द ही सीक्वल आने वाला है और अब खबर यह है कि इसकी कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 में इस बार यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। इंग्लैंड के पेसर ओली रॉबिन्सन के विवादास्पद ट्वीट का मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक पहुँच गया है। जॉनसन ने सोमवार को अपने खेल मंत्री की टिप्पणियों का समर्थन किया कि ओली को निलंबित करने से इंग्लैंड क्रिकेट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिटेन के खेल और संस्कृति मंत्री ओलिवर डाउनडेन ने सोमवार को इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से इस 27 वर्षीय के निलंबन पर फिर से सोचने का आग्रह किया है। इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क कई बार अंतरिक्ष यात्रा पर जाने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को लेकर कोई पक्की घोषणा नहीं की है। वहीं कॉमर्स और टेक कंपनी अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संस्थापक जेफ बेजोस ने ऐलान कर दिया है कि वह 20 जुलाई 2021 को अपने भाई के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह चांद पर इंसान के पहले कदम की 52वीं वर्षगांठ पर अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। बता दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।